हाय गाइस, चलो देखते हैं माया का यू आई। माया 2013 हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम। हम लोगों ने देखा था लाइक 14 नंबर तक हमने देख लिया था। रेंज स्लाइडर क्या है, 15 नंबर पर आते हैं। ठीक है, 15 नंबर अगर आप देखोगे तो आपका प्लेबैक आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे प्लेबैक कंट्रोल्स, अगर आपने कभी टेप रिकॉर्डर या कुछ आप फ़ोन में कभी कोई गाना प्ले करते हो, वो सारे पार्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे मान लो कि अगर मुझे कोई चीज़ अगर मैनेज करना है, जैसे यहाँ पे एक हम लोगों ने एक एनिमेशन रख रखा है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक एनिमेशन बताया था एनिमेशन कैसे करते हैं। जिस सपोज जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बॉल लिया, फॉर फोकस करो कहाँ दूर था, बॉल लिया। ठीक है, बॉल को मैं यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, मूव, WER, W फॉर मूव, E फॉर आपका रोटेट एंड R फॉर स्केल, WER। ये आपको जैसे मैंने टूल्स बताया था यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जस्ट बेसिक से मैं आपको एनिमेशन देता हूँ। यहाँ पे मैंने एस प्रेस कर दिया, एस एस प्रेस करने से यहाँ पे की लग गया। ठीक है, अभी मैं एंड फ्रेम पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे गो टू एंड फ्रेम, देखना यहाँ पे एंड फ्रेम पे गए और मैंने एंड फ्रेम पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे यहाँ से देखो एक बटन ऑन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो की। ऑटो की अभी मैं अगर इसे ऑन करता हूँ और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक की लग गया। समझना कैसे, देखो अभी देखो पहले एनिमेशन देखो। यहाँ से मैंने क्या किया, गो टू स्टार्ट फ्रेम, गो टू एंड फ्रेम। क्लियर हो रहा है, स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम, ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना, बीच में एक बटन दिख रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट पे गए, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे प्ले फॉरवर्ड। तो देखो प्ले हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा भाई प्ले हो रहा है हमारे पास यहाँ पे चाहिए, तो चलो ठीक है प्ले हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, प्ले बैकवर्ड कर दिया। आगे पीछे अगर आपको चलाना है तो आप ऐसे प्ले करके चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं गया 50 फ्रेम पे गया और 50 फ्रेम पे मैंने जाकर मैंने इसको ऊपर खींच दिया। याद रखना ऑटो की ऑन है, देख रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे देखो एक एनिमेशन देखिएगा, यहाँ पे प्ले ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको बेसिक एक एनिमेशन करना है, बॉल का एनिमेशन करना है, तो आप ऐसे बेसिक एनिमेशन कर सकते हो जब आपकी स्टार्टिंग है। अभी देखो यहाँ पे वो ऊपर की तरफ चला गया। मुझे लास्ट फ्रेम पे क्या करना है, नीचे, लास्ट फ्रेम पे गए नीचे कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हो जाएगा। तो एक बेसिक से अगर मैं एक फंडा बताऊँ तो मैंने क्या किया, मैंने गो टू स्टार्ट फ्रेम, गो टू एंड फ्रेम, या प्ले करता हूँ, प्ले फॉरवर्ड, प्ले बैकवर्ड। तो हम लोग ऐसे में करके मैनेज कर सकते हैं। अभी हम लोग एनिमेशन नहीं कर रहे, बेसिक्स देख रहे हैं। आगे हम लोग आप आराम से डिटेल में एनिमेशन करेंगे कि एनिमेशन का रोल क्या है, एनिमेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा स्टेप बैकवर्ड 1 फ्रेम, 1 फ्रेम पीछे, 1 फ्रेम आगे। आइडिया मिलेगा, 1 फ्रेम पीछे, 1 फ्रेम आगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो क्या, स्टेप बैक ऑन की। ठीक है, अभी देखो इसका क्या बेनिफिट है, जहाँ पे मैंने की दिया उस की पे अगर मुझे स्विच करना है तो मैं यहाँ पे देखूंगा। तो अगर आप देखोगे घूम फिर के यहाँ से यहाँ तक हमने सब कुछ देखा, ताकि हमें एक आइडिया मिला कि भाई कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। तो ये एक अपना पार्ट आ जाएगा कि हम लोग किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी के अंदर जैसे एक छोटा सा पॉइंट में अगर आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा कि जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मैनेज करना है तो मैं चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये हमारे पास प्लेबैक। ठीक है, हमने यहाँ देखा था, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे यूआई ओपन करोगे, ठीक है, प्लेबैक कंट्रोल्स। तो प्लेबैक कंट्रोल्स में किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ये हम लोग काम कर सकते हैं। इसके साथ रेंज स्लाइडर भी मैं एक बार जोड़ के बता देता हूँ। ठीक है, रेंज स्लाइडर यहाँ पे देखो, रेंज स्लाइडर दिख रहा है ये इधर क्या हुआ, फ्रेम बढ़ा गया। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे लगा नहीं मुझे 150 तक करना है, तो मैंने यहाँ पे बढ़ाया इसको और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अप कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे आपको एनिमेशन भी दिखेगा, कीज़ भी दिखेंगे, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है वो भी हम लोग मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी कोई बहुत ही स्लो चल रहा है, राइट क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्ले एवरी फ्रेम है, प्ले रियल टाइम है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखेगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा फास्ट हुआ। ठीक है, ये इसके अंदर अगर आप एनिमेशन करते हो तो आप प्ले आपको इस पर ही आपको काम करना है। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे प्लेबैक स्पीड, यहाँ पर राइट क्लिक करना, टाइम कहाँ पर, जहाँ पे टाइम बार दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके यहाँ पे तो देन रियल टाइम पे। एफएक्स में कई बार हम लोग प्ले एवरी फ्रेम करते हैं, एनिमेशन हम लोग रियल टाइम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स में भी होता है, तो प्ले एवरी फ्रेम है, ठीक है, मैक्स रियल टाइम है। तो नीडी इसको अगर क्लिक करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा कि दोनों का डिफरेंसेज आपको, दोनों तीनों का डिफरेंसेज दिखेगा आपको यहाँ पे। तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, वो पार्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये चीज़ हमें देखना है, चीज़ों को समझना है कि किस टाइप से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने ये कहा, अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे रेंज से मैंने मैनेज कर दिया, मुझे सिर्फ इतना ही करना है, तो मैं रेंज को मैनेज कर दिया, तो मैं यहाँ पर भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे।
तो मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम स्ट्रैटेजी जो था जितना था उससे मैंने कम करके दिखाया। तो एक मेरे पास शॉर्ट ये भी दिखेगा यहाँ पे कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। दूसरा बट यहाँ देखो 64 दिख रहा है, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 50 तक चाहिए, तो 50 मैंने टाइप कर दिया, तो 50 यहाँ से आ गया है ना। टोटल कितना 150 है, यहाँ पे कितना मुझे 50 चाहिए, यहाँ पे 1 है, मैंने कहा मुझे 10 से चाहिए तो 10 से आ जाएगा। तो आपको नंबर्स डालने आ जाएंगे भाई कितने फ्रेम तक आपको चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सा पार्ट आपको मिल जाएगा भाई, आपको कैसे क्या काम करना है, 1 करना 1 करो, ठीक है, 0 करना है 0 करो। ओके देखो कीज कहाँ लगी, 1 पे लगी, 0 पे नहीं है, ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं। प्लेबैक का भी हमने देखा यहाँ पे, और देन हम लोगों ने एनिमेशन का पार्ट भी देखा और रेंज स्लाइडर भी देखा। नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखा 60 नंबर में हम लोग यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे क्या एनिमेशन कैरेक्टर मेन्यू सेट, यहाँ पे स्विचिंग के एक ऑप्शन दे रखा है कि बाई चांस आपको यहाँ पे क्या क्या एनिमेशन से कैरेक्टर मेन्यूज पे आपको जाना है तो कैसे स्विच कर सकते हो, वो चीज़ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जस्ट इस पर आपको क्लिक करो, यहाँ पे देखें कैरेक्टर सेट एडिटर, ठीक है, नन है। आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे यहाँ पे देखेगा भाई मुझे यहाँ पे कुछ कैरेक्टर एडिटिंग के लिए कुछ भी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है प्लस माइनस करना है, तो मैं प्लस करके माइनस करके कोई भी चीज़ को मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप एडिटर होता है, रिलेशनशिप एडिटर क्या होता है, जैसे किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी बनानी हो, जैसे मान लो मैं लाइटिंग का पार्ट बताऊँ, लाइटिंग में क्या कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट पे, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे मुझे लाइट का इम्पैक्ट देना है और इस प्लेन पे मुझे लाइट का इम्पैक्ट नहीं देना, तो वो रिलेशनशिप एडिटर से मैं वो कर सकता हूँ। ये मैंने लाइटिंग के अंदर बता रखा है, ठीक है, चैनल पे जाकर देखो तो उसमें पता चलेगा। बाकी हम लोग उसमें भी आगे चलेंगे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। देखो अभी यहाँ पर देखना, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा पार्ट था कि भाई आपको कोई चीज़ अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे मैंने देखा ना सेट यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या लेना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस हिसाब से चीज़ को बैलेंस करना है, आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, लाइटिंग के साथ आप कनेक्ट करो, आपको यहाँ पे चीज़ों को सेट एडिटिंग करना है, ठीक है, क्या करने वाले हो, ठीक है, कैरेक्टर एडिटिंग पे आप आओगे तो कैरेक्टर एडिटिंग के साथ क्या है, डिस्प्ले लेयर है, ठीक है, ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे यहाँ पे कि भाई कैसे क्या क्या काम करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको यहाँ पे फंडा बताऊँ, जैसे मेरे पास आप देखें लाइटिंग, अब लाइटिंग की देखो यहाँ पे ही लाइट है, इस लाइट को मैं लगे तो लाइट के सब के साथ कनेक्टिविटी है, ठीक है। सपोज मैंने इस वाले लाइट को मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये मैं लाइट की कनेक्टिविटी हट गई है, इस पर लाइट का इम्पैक्ट नहीं आएगा, फिर क्लिक किया तो लाइट का इम्पैक्ट आएगा। तो ये प्रोसेस है चीज़ों को बैलेंस करने का। अगर देखो यहाँ पे चलिए छोटा सा शॉट देख ही लेते हैं, मैंने यहाँ पर रेंडर किया, रेंडर में देखें यहाँ पे मैं बस क्या, देखो लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, अभी लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, मैं इस पर से लाइट का इम्पैक्ट हटाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे सन है, सन में यहाँ पे मैंने इस पर हटा दिया, ये देखो यहाँ पे सब मैं इस पर हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ फ्रेम रहने देता हूँ। देखो तभी आपने जो लास्ट रेंडर देखा, सेव कर लो आप यहाँ पे, अब रेंडर करके देखो आप यहाँ पे डिफरेंस आया, पहले लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा था, मैंने लाइट का इम्पैक्ट हटा दिया, सिर्फ फ्रेम का इम्पैक्ट रखा। तो ये प्रोसेस है, मैंने कहा ना अभी इसको हम लोग आराम से डिटेल से समझेंगे, ये सिर्फ देखने के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको जब समझ आएगा, जब मैं आपको उसका स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊंगा तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई इससे होता क्या है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें थोड़ा सा गाइड कर दिया।